फ्रेंड्स, अभी हमें मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे जहाँ पे बन रहा है एशिया का सबसे लंबा रेलवे सप्तर्ज, जो कि बन रहा है रेलवे ट्रैक के दोनों साइड। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे है पीआर और पीए कैप बन चुका है, इसके ऊपर डेक स्लैब होना बाकी है। अभी हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वो ट्रैक है सिंगरौली बीना। ये आपको सिंगरौली शहडोल सिंगरौली सामने रोड दिख रहा है, इसके अपोजिट साइड आपको दिखेगा ये बीना रूट। फ्रेंड, केजीएस प्रोजेक्ट की लंबाई होने वाली है करीब 34 से 35 किलोमीटर, जिसमें से कुछ पीआर और पीए कैप होगा और बाकी रिटेनिंग वाला होगी। ये देख सकते हैं ये दोनों ट्रैक के आसपास ही बन रहे हैं। ये ट्रैक है, मेन ट्रैक है, ट्रैक में ट्रैक से करीब 10 मीटर की दूरी पे अपलाइन है। और उधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पीआर और पीए कैप दिख रहे होंगे, वो भी करीब 10 से 15 मीटर की दूरी पे पूरे पीआर और पीए कैप हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा दिसंबर 2025 तक। इसकी लास्ट डेट दिसंबर 2024 थी, लेकिन अपलाइन का काम कम्प्लीट हो जाएगा दिसंबर 2024 तक और डाउन लाइन कम्प्लीट होते होते 2025 हो जाएगा। और इधर पर डेक स्लैब का भी काम चल रहा है और यहाँ कुछ एरिया पे रिटेनिंग वाला है, जिसका भी काम आगे चल रहा है। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से आगे देख पाएंगे, यहाँ तक ये पीआर लास्ट है अपलाइन का। अभी हम जिस एरिया पे हैं ये है मंगल नगर। ये मंगल नगर का पीआर नंबर 123B है, अपलाइन में 123 तक यहाँ पे पीयर और पीयर कैप है। उसके बाद यहाँ पे टर्निंग वाल स्टार्ट होता है, फिर आगे चल के पीयर स्टार्ट होते हैं 124 से लेकर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से टर्निंग वाल स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे राफ्ट बना हुआ है, इसके आगे पूरा टर्निंग वाल है। ये अपार्टमेंट है जो कि कनेक्ट करेगा पीयर को रिटेनिंग वाल से। यहाँ पे पूरा रिटेनिंग वाल रेडियस में घुमा हुआ है। आगे रिटेनिंग वाल का काम चल रहा है, यहाँ पे अभी स्टार्ट है। इस एरिया को मुंगाबाई कहते हैं या मंगल नगर बोल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्टील कड़ा कर दिया गया है और ये ट्रैक पूरा चालू ट्रैक है। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन आ जा रहा है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिन फ्रेंडों को जॉब वगैरह की ज़रूरत है वो आ सकता है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले को। यहाँ पे काम कर रही है एल&टी की जियो स्ट्रक्चर, जिसका मेन क्लाइंट इरकॉन है। और यहाँ सामने है डिपार्चर यार्ड, यहाँ पे ट्रेन को खाली किया जाता है, जो भी कोयला वगैरह लोड होता है उसको साफ किया जाता है।